गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द AIS द गुरुकुल इन फोर क्लास. टूडे वी स्टडी हिंदी चैप्टर 7. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 6 लेसन कंप्लीट कर लिए थे. आज हम इसका नेक्स्ट लेसन 7 जो दे रखा है, तितलियों का अनोखा संसार, इसको हम स्टडी करेंगे. तो ओपन योर बुक थर्ड पेज नंबर 39. देखिए स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी, इस चैप्टर 7 तितलियों का अनोखा संसार. ठीक है, ये लेसन दे रखा है. इससे पहले आप क्या करेंगे, लेसन पढ़ने से पहले आप इसके जो शब्दार्थ हैं उसको नोटबुक में कर लेंगे, जो आपके पेज नंबर दे रखे हैं सबसे ऊपर 41 पे ही. ठीक है, देखिए बाल्यकाल. बाल्यकाल का अर्थ होता है बचपन. नेक्स्ट देखिए अवशेष यानी बचा हुआ. गति यानी रफ्तार. इस टाइप से आपको शब्दार्थ कर लेने हैं. ठीक है, आगे देखिए. चलो हम पढ़ते हैं लेसन. इसी तरीके से आपको शब्दार्थ नोटबुक में कर लेने हैं. ठीक है, देखिए लेसन तितलियों का अनोखा संसार. ठीक है, फूलों पे मन रहती सुंदर, रंग बिरंगी तितलियाँ सबका मन मोह लेती हैं. यानी जो फूलों पे, जब आपने देखा होगा हरियाली का मौसम आता है तो तितलियाँ उड़ती हुई नज़र आती है फूलों पे बैठती हुई. ठीक है, क्या तुम जानते हो कि ये तितलियाँ अपने बाल्यकाल, यानी बाल्यकाल का क्या होता है, बचपन में बिल्कुल अलग रूप रंग वाली होती है. यानी इनका बचपन में रूप और रंग बहुत अलग होता है. इन्हें तब इल्ली कहते हैं, यानी कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है. जब छोटी तितलियाँ छोटी होती है तो उनको कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, तब इन्हें इल्ली कहा जाता है. ठीक है, यानी तितलियाँ जो फूलों पर रमंडराती है रंग बिरंगे, वो सबका मन मोह लेती है. तुमने क्या आप ये जानते हैं कि जो सुंदर तितलियाँ होती है वो बचपन में अलग रंग रूप वाली होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कैटरपिलर यानी इल्ली कहा जाता है. इल्ली का जन्म पत्ते पर चिपके अंडे में से होता है. जो तितली होती है उसका जन्म कहाँ से होता है, पत्ते पर चिपके हुए अंडे से. ठीक है, पत्ते पर ही अंडे देती है. वे अपने आसपास के पत्तों को खा खा कर बड़ी हो जाती है. यानी अपने आसपास के जो पत्ते हैं उन्हीं को खा कर वह बड़ी हो जाती है. उसका बाहरी आवरण धीरे धीरे इतना कस हो जाता है. उसका जो बाहरी आवरण है, आवरण यानी एक पर्दा यानी ऊपर का कवच है, जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कस हो जाता है यानी मजबूत हो जाता है. आगे कि वह एक दिन फट जाता है. फिर क्या होता है, एक दिन वह फट जाता है. आगे देखिए, उसका बाहरी आवरण धीरे धीरे इतना मजबूत कस हो जाता है कि वे एक दिन फट जाता है. यानी तितली उसमें से बाहर आ जाती है, उसके अंदर से एक और आवरण निकल आता है. आवरण के अंदर यानी एक और पर्दा निकल आता है. ऐसे ही नए नए आवरण बनते चले जाते हैं. यानी जो पंख हैं वो पर्दे हैं, जो तितली के पंख होते हैं वो नए नए बनते चले जाते हैं. ना आश्चर्य की बात है, यानी कितनी आश्चर्य की बात है कि जो आवरण होता है वो नए नए बनता जाता है, जो पंख हैं वो नए नए बनते जाते हैं. किंतु अभी तो कहानी में और अधिक आश्चर्यजनक मोड़ आने बाकी है. यानी और भी आश्चर्यजनक बातें अभी सुनने में बाकी है कहानी में. आगे देखिए, एक समय ऐसा आता है कि इल्ली खाना पीना हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देती है. यानी एक समय ऐसा आता है कि तितली जो है बिल्कुल भी खाना पीना बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देती है. वह अपने चारों ओर कोकुन बुनना शुरू कर देती है. कोकुन क्या होता है, देखिए इसमें दे नहीं रखा है, कोकुन कि एक तरह से बुनना, जाल की तरह बुनना शुरू कर दे. कोकुन के अंदर पंखों का निर्माण हो रहा होता है. कुछ कोकुन होता है उसके अंदर क्या होता है, पंख डेवलप हो रहे होते हैं. कुछ सप्ताह बाद ये कोकुन फट जाता है, जो एक होता है जाल की तरह वह फट जाता है और उसमें
से निकल पड़ती है हमारे क्या तितली रानी। तितली का कैसे निर्माण होता है, तितली कैसे बनती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इल्ली से तितली बनने तक का सफ़र सच में प्रकृति का एक विचित्र खेल है। यानी इल्ली से तितली बनने का जो एक होता है सफ़र, वह विचित्र। ये देखिए जो डाली पे कैटरपिलर नज़र आ रहा है, इस तरीके से ही चिपका हुआ होता है और अपने हिस्से ही क्या तितली बनती है। आगे देखिए, तितली धीरे धीरे अपने पंख खोलती है। फिर क्या करती है, तितली के पंख आ जाते हैं तो तितली धीरे धीरे पंख खोलती है और फिर उड़ जाती है। और फिर क्या हो जाती है, उड़ जाती है फूलों की ओर। कहाँ, फूलों की ओर उड़ जाती है। तितली का शरीर बहुत कोमल होता है, तितली का शरीर है वो बहुत कोमल होता है। इसके 6 टांगे, 1 जोड़ी एंटीना, कहीं आँखें, मुँह और सुंदर पंख होते हैं। इसकी कितने टांगे होती है, 6 टांगे होती है, 1-1 जोड़ी की। ठीक है, आगे 6, 6, 6, 12 आगे एंटीना, कहीं आँखें होती है इसकी, मुख और सुंदर पंख होते हैं। यह अपने मुख से खाने का काम नहीं करती, बल्कि अपने आगे वाले पाँव से ये स्वाद का पता लगाती है। यानी तितली है जो अपने मुख से नहीं खाती है, ये तो अपने आगे वाले पाँव से स्वाद का पता लगाती है। आगे इसके लंबे एंटीना जो होता है जीभ का काम करते हैं। इसके जो आगे के जो लंबे एंटीना होते हैं वह जीभ का काम करते हैं। ये उन्हें फूलों में गड़ाकर गहराई से उनका रस चूसती, उन्हीं एंटीना को, जो आगे के एंटीना होते हैं तितली के, उन्हीं को फूलों में डालकर उसका रस चूसती है। तितली को अंग्रेजी में बटरफ्लाई क्यों कहा जाता है, देखिए इसका भी एक दिलचस्प कारण है। यानी इसको बटरफ्लाई क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। ये देखा गया है कि जहाँ मक्खन यानी बटर के अवशेष फेंके जाते हैं, बटर के अवशेष फेंके जाते हैं, वहाँ से ये मंडराती थी, वहाँ ये क्या होती थी, मंडराती थी। तितलियों को अधिक ठंड पसंद नहीं है, तितलियाँ ठंड में नहीं रहती हैं। यह भी सारस और हंसों की बात ही, सर्दियों के मौसम में गर्म प्रदेशों में पलायन कर जाती है। जैसे कि जो सारस है ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर पलायन करते हैं, उसी तरीके से तितलियां भी जो ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों में पलायन कर जाती है। तितली 1000 किलोमीटर तक की यात्रा बिना रुके कर सकती है। यानी एक बार में 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। इसकी उड़ने की गति भी किसी मोटर कार से कम नहीं, यानी इस तरीके से उड़ती है कि जैसे कोई मोटर कार से भी कम स्पीड नहीं है इसकी। ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकने में क्षमता रखती है। यानी 50 से 60 किलोमीटर की गति से उड़ने की क्षमता रखती है। इतनी कोमल से तितली में कितनी शक्ति है, इसका अनुमान इससे देखकर लगाना कठिन है। यानी इतनी छोटी तितली और उसमें इतनी शक्ति, यह इसको देखकर अनुमान लगाना बहुत कठिन है। तितलियों की अनेक प्रजातियाँ हैं, यानी कई प्रजातियाँ होती है कई प्रकार की। भगवान ने इनके पंखों पर चित्रकारी से एक बढ़कर एक नमूने अंकित किए। यानी भगवान ने अपने आप ही इनके पंखों पर अलग अलग डिजाइन से इनमें डिफरेंट अंतर किया है। उनकी रंग रोजना और भी अधिक मनमोहक होती है। यानी कई तरह के रंग होते हैं जो अपने हमारे मन को मोह लेते हैं। वैसे तो ये अनेक रंगों और आकारों की होती है। यानी ये तो कहीं रंग और आकार की होती है, लेकिन सबसे बड़े आकार की तितली 12 से 14 इंच तक की होती है। यानी सबसे बड़ा आकार किसका होता है, जो 12 से 14 इंच तक की होती है। इसका नाम क्वीन अलेक्जेंड्रा है। इसका नाम क्या है, क्लिक अलेक्जेंड्रा है। न तितली प्रकृति का अजब करिश्मा, यानी तितली है जो प्रकृति का एक अजब करिश्मा, यानी अनोखा जो जीव है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।